अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कि मोपअप राउंड का वेट कर रहे थे, तो ऐसे में एमयू ने मोपअप राउंड के लिए शेड्यूल को अपलोड कर दिया है, यानी फोर्थ लिस्ट कब आएगी ये एमयू ने बता दिया है। मोपअप राउंड क्या होता है ये बता दें, तो मोपअप राउंड में बेसिकली आपकी पहले तीन लिस्ट आई थी, जब आपने काउंसलिंग की होगी तो आपके जो भी कोर्स होगा उसमें तीन लिस्ट अपलोड की गई थी। उसके बाद अब मोपअप राउंड में आपकी थ्री लिस्ट और आएंगी, यानी टोटल सिक्स लिस्ट इसमें अपलोड की जाएंगी। तो यहाँ पे एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो नोटिस एंड अपडेट में यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ मोपअप राउंड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये मोपअप राउंड पूरा ओपन हो जाएगा। किस कोर्स के लिए यहाँ पे मोपअप राउंड हो रहा है यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे सेशन भी लिखा हुआ है इसी ईयर का ये। उसके बाद यहाँ पे क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है क्लास सिक्स। अच्छा, इसमें ये लिखा जरूर है लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लास फर्स्ट में आपकी फोर्थ लिस्ट अपलोड की जाएगी, अगर सीट वैकेंट होंगी तभी क्लास फर्स्ट में आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी, वरना नहीं आएगी। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि क्लास फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्लास फर्स्ट में फोर्थ लिस्ट आपकी अपलोड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेन एवर एप्लीकेबल, अगर जरूरी होगा तभी अपलोड की जाएगी, अगर सीट वैकेंट होगी तभी यहाँ पे आपकी अपलोड की जाएगी। तो क्लास फर्स्ट में आ सकती है, क्लास सिक्स में आपकी फोर्थ लिस्ट आ सकती है, क्लास नाइन में भी आ सकती है। उसके बाद बी ए ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स, बी एस सी ऑनर्स, बी एस सी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बी एस सी बी आर टी टी, बी ए बी ऑनर्स फॉरन लैंग्वेज, और आपके सीनियर सेकेंडरी में साइंस स्ट्रीम में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में गर्ल्स बॉयज में आ सकती है फोर्थ लिस्ट, सीनियर सेकेंडरी में ह्यूमनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम में भी आपकी फोर्थ लिस्ट आ सकती है। उसके बाद ब्रिज कोर्स में बी एस सी नर्सिंग, बी टेक, बी एल बी, एम एस सी, एम सी ए, एल एल एम, एम ए, बी लेब, एम बी ए के जितने भी कोर्सेज हैं, एम एस डब्ल्यू और बी एड, ये जितने भी कोर्सेज हैं इसमें फोर्थ लिस्ट आने के चांसेस हैं। कब आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी तो इसमें भी आपके तीन राउंड रहते हैं। इसमें आपको काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी, यानी आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई भी नहीं करवाना होंगे। जिसने भी पहले किसी भी राउंड में अगर काउंसलिंग की थी तो उसको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं की थी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था या फिर आपकी वेटिंग नहीं आई थी, तब आपके लिए ये मोपअप राउंड नहीं है, सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी वेटिंग आई थी और वो क्लियर नहीं हुई, और उसमें भी आपने शेड्यूल अपने काउंसलिंग की होगी पहले से तभी। अगर आपने काउंसलिंग की थी तब आपको 17 अगस्त का बस वेट करना है, 17 अगस्त को फर्स्ट यहाँ पे लिस्ट अपलोड की जाएगी मोपअप राउंड की। इसमें स्टूडेंट्स के नाम होंगे, जैसे कि आपकी जनरल काउंसलिंग की जो लिस्ट आई थी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट अपलोड की गई थी सेम एज इट इज, फोर्थ लिस्ट भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी 17 अगस्त को। अगर आपका नाम होगा तो आपको 18 अगस्त को यहाँ पे फी पे करना होगा, सिर्फ एक दिन का टाइम आपको दिया है। अगर आप 18 अगस्त को यहाँ पे फी नहीं पे करते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद 19 अगस्त को सेकेंड लिस्ट अपलोड की जाएगी राउंड टू में, जिसमें कि फिर आपको 20 अगस्त का यानी एक दिन का सेकेंड लिस्ट वालों को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा फीस पे करने का। अगर सेकेंड लिस्ट में भी कोई बच्चे फीस पे नहीं करते हैं और सीट वैकेंट रह जाती है तब यहाँ पे थर्ड लिस्ट अपलोड की जाएगी, और 22 अगस्त को एक दिन का टाइम दिया गया है फीस पे करने के। तो यहाँ पे करके नोट करके भी कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मोपअप राउंड है जिन्होंने अपने रजिस्टर किया था काउंसलिंग पोर्टल पे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उनके वेरीफाई भी हो गए थे लेकिन उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी, तो उनको यहाँ पे ये मोपअप राउंड दिया गया है, उसमें यहाँ पे नाम आने के चांसेस हैं। अगर आपने काउंसलिंग नहीं की थी तब आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और जितना भी है ये सारा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में आपको काउंसलिंग नहीं करनी है, ऑनलाइन मोड में ही ये जितने भी मोपअप राउंड है इसमें ही आपको एडमिशन लेना होगा। अब इसमें अगर बता दें कि फोर्थ लिस्ट कहाँ पे अपलोड की जाएगी, तो जहाँ पे आपकी ये थर्ड लिस्ट अपलोड की गई थी काउंसलिंग की पोर्टल पे आप आएंगे तो यहाँ पे थर्ड लिस्ट अपलोड की गई थी, इसी के साइड में आप लिखा हुआ है फर्म लिस्ट फोर्थ, इसी में यहाँ पे आपकी फोर्थ लिस्ट भी अपलोड होगी, फिफ्थ लिस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और सिक्स लिस्ट भी यहाँ पे अपलोड की जाएगी। यहाँ पे कॉलम जरूर एट लिस्ट तक दिए गए लेकिन एट लिस्ट कभी आती नहीं है, सिर्फ सिक्स लिस्ट आएंगी, उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। अगर किसी कोर्स में सीट वैकेंट भी रह जाती है तो फिर वो वैकेंट ही रहेगी, यानी खाली ही रहेगी, उसको फिल नहीं किया जाएगा, लेकिन सिक्स लिस्ट तक ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज की यहाँ पे सीट फुल हो जाती है। तो आपको सिर्फ सिंपली इस अपना जो यहाँ पे अपलोड किया गया है काउंसलिंग शेड्यूल, इस काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्ट चेक करनी है और फिर उसी के हिसाब से आपको फीस पे करनी है। आई होप जो है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।